शायद ही सुन के आप हैरान हो जाए, पर दुनिया में हर दिन 15 करोड़ से भी ज्यादा पशु की हत्या कर दिया जाता है लोगों की भोजन की मांग पूरी करने के लिए। इस हिसाब से हर साल लगभग 5,500 करोड़ पशु की हत्या सिर्फ हमारे और आपके भोजन की मांग पूरी करने के लिए होती है। जानवरों को इस परेशानी से बचाने के लिए और लोगों की भोजन की मांग पूरी करने के लिए लैब में अकृत्रिम उपाय से मांस बनाया जा रहा है, जिसे कल्चर्ड मीट कहते हैं। लैब में बने इस कल्चर्ड मीट के बारे में विस्तारित रूप से आलोचना किया जाएगा वर्ल्ड हेल्थ के इस चैप्टर में। लैब में मांस बनाने के लिए जिंदा जानवरों की कोशिकाओं से नमूने लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में जानवरों को कोई नुकसान नहीं होता है। जिंदा जानवरों की इस कोशिकाओं से एक सेल लाइन बनाया जाता है, विज्ञान की भाषा में जिसे टिश्यू कल्चर बोला जाता है। इन कोशिकाओं को धीरे धीरे खाने लायक मांस में बदल दिया जाता है। ये मीट काफी हद तक बिना हड्डी के चिकन या बीफ जैसा दिखता है। इस मांस के स्वाद और सुगंध असली मांस जैसा ही होता है और मांस जैसा ही इसमें पौष्टिक गुण पाए जाते हैं। हालांकि खराब फैट इसमें नहीं रखा गया है। बहुत सारे कल्चर्ड मीट कंपनी ने दावा किया है वो चाहे तो इसमें मंचा पौष्टिक गुण की बदलाव कर सकते हैं, जिसका असर सीधे तौर पर लोगों की पोषण और हेल्थ में पड़ेगा। ऐसे तो मीट में सैचुरेटेड फैट होता है, हालांकि कल्चर्ड मीट में उसकी जगह पर ओमेगा 3 फैटी एसिड और हेल्दी फैट को ला जा सकता है। इसके अलावा कल्चर्ड मीट में विटामिन और मिनरल भी पाया जा सकता है, जो असली मांस में ना के बराबर होता है। बहुत सारे कंपनी ने अपने हिसाब से या कस्टमर की डिमांड के लिए इसकी आकृति में मंचा फर्क लाते हैं, और तो और यही प्रोसेस फॉलो करके 3D प्रिंटर से इस मीट को बनाया जा सकता है। हड्डी समेत लोगों की डिमांड अनुसार किसी भी जानवरों की मीट को इस प्रक्रिया में बनाया जा सकता है। लैब में बनाया गया इस मीट से लोगों की भोजन के जरूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया भर में इसे एक नया क्रांति माना जा रहा है। हालांकि ये प्रक्रिया नया नहीं है, सबसे पहले 1912 में मुर्गी के दिल से कोशिकाओं को लेकर टिश्यू कल्चर बनाया गया था। हालांकि खाने के तौर पर जानवरों की टिश्यू कल्चर को बनाए जाने का विचार चिकित्सा शास्त्र के कामकाज से लिया गया है। हार्ट अटैक के बाद मरीज के हार्ट के पेशी को पहले जैसे ही पुनर्गठन में सहायता करने के लिए स्टेम सेल को डाला जाता है। इस सेल से फिर से नए सेल बन सके, इसलिए खाद्य गवेषकों ने इस विचार से टिश्यू कल्चर से खाने लायक मीट बनाने की प्रक्रिया में सफलता मिली है। अभी तक दुनिया भर में बहुत कम लोगों ने ही कल्चर मीट के स्वाद लिया है, जिनके अनुसार मीट जैसे ही है, इसके स्वाद मीट केक जैसा ही है। राष्ट्र के तौर पर सबसे पहले सिंगापुर ने इसे बनाने के लिए आगे बढ़ी है। सिंगापुर में बहुत सारे रेस्टोरेंट में आप इसे ऑर्डर दे सकते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे उद्योगपति ने लैब में बनाए जाने वाला इस मीट को बनाने के व्यापार में निवेश में रुचि रखते हैं। एक प्रक्रिया विकासशील देशों में लोगों की बढ़ती भोजन की जरूरतों को पूरी करने में उपयोगी होगा और प्रदूषित मीट खाने से होने वाले रोगों से भी बचा जा सकेगा। ऐसे तो असली मीट उद्योग में बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, लेकिन लैब में बनाए गए इस मीट को बनाने में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा। और सबसे बढ़कर अभी तक जानवरों को सिर्फ हमारे भोजन की जरूरतों को पूरी करने के वास्ते मारा जाता है, जिसने बहुत क्रांति आई। दुनिया भर में हर दिन से फूड चेनों में चिकन की जुगाड़ देने के लिए 2.5 करोड़ चिकन काटा जाता है। कल्चर मीट को साधारण लोगों के खाद्यान्न में डालने के लिए इसके मान और दाम को सही रखने में नजर देना जरूरी है, इसीलिए सिंगापुर में बहुत सारे लैब बनाया गया है।